से घूमने मंडोर की भूमि से आज ही अतीत के सिक्के मंदिर के अवशेष तोरणद्वार स्तंभ और उत्कृष्ट मूर्तियां प्राप्त होती रहती हैं। मंडोर संग्रहालय में प्राचीन भारत के सभी प्रतीकों को सहेज कर रखा गया है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने अपने जीर्ण अवशेषों में अनेकों गाथाएं संभाल रखी है। अरावली की पहाड़ियों से घिरा मंडोर नगर मांडव्य ऋषि की तपोभूमि था, पर इसका प्राचीन नाम मांडव्यपुर था। नहीं बचेगा। शत्रुओं से लड़ने के लिए बल और बुद्धि से वार करने की योजना बनाई गई। घास की कई सौ गाड़ियां तैयार की गई और हर गाड़ी में हथियार लिए युद्ध छुप कर बैठ गए। गाड़ियां जैसे ही किले के भीतर पहुंची क्षत्रियों ने नारा लगाया, शूरराव चूना राठौड़ और मारवाड़ के वीरों की प्रतापी तलवारें लहराई तो शत्रुओं के सिरों के ढेर लग गए। इसी जीत की याद में आज भी मंडोर में राव महोत्सव मनाया जाता है। दूसरे दिन निर्भीक साहसी हेमा गहलोत और सभी वीरों को याद किया जाता है और बाबा भोलेनाथ जी की पूजा की जाती है, जिनके आशीर्वाद से वीर विजय हुए थे। मंडोर विजय के बाद भी इंदा परिहार का मन अशांत था, क्योंकि ये नगर शत्रुओं से घिरा हुआ था। तब उन्होंने शक्तिशाली राठौड़ वंश को राज सौंपने का निश्चय किया।
से करवाया और दहेज में मंदार का दुर्ग दे दिया गया। राव हेमा गहलोत ने राव चुंडा का भाग्य किया और भाटन ने मंदिर का और सामने सूझबूझ का परिचय देते हुए राज चुंडा ने अपने साम्राज्य को बढ़ाया और मंडौर को मारवाड़ की राजधानी बनाया। 1423 में मारवाड़ के युद्ध में राव चुंडा वीरगति को प्राप्त हुए और उनके पुत्र कान्हू के बाद राजदंड राव रणमल ने संभाला। संदेश भिजवाओ, मंडोर पर अब हमारा राज है। पिता की निर्मम हत्या की पीड़ा और राज खो देने का अपमान लिए जोधा भटक रहा था। हर ओर शत्रु घात लगाए बैठे थे पर जुझारू जोधा ने आस और विश्वास नहीं खोया। 15 वर्षों तक संघर्ष और अथक प्रयास करने के बाद जोधा ने दुर्भाग्य को जीत लिया। चूंडा की मृत्यु हो चुकी थी और मंडोर को राज जोधा ने फिर से जीत लिया था। समय बदल रहा था और देश पर विदेशी आक्रमणकारियों का संकट घेर आया था। ऐसे में एक दूसरे से लड़ने के बजाय मारवाड़ और मेवाड़ ने संधि कर ली। दूरदर्शी राव जोधा को कोई चिंता खाई जा रही थी और
उस चिंता का कारण मैं यानी मंडोर का दिल था। किस सोच में डूबे हैं राव जी? अपने आसपास देखो, क्या दिखता है? आकाश, जंगल, पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ ही मेरी चिंता है। कई सौ साल पहले ये काफी ऊंची थी और किले तक पहुंचना कठिन था, पर भारी वर्षा और धूल भरी आंधियों ने इनका कद घटा दिया है। राव जोधा की बात पीड़ादायक परंतु सत्य थी। मैं भी अब बूढ़ा और कमजोर हो चला था। उसे मेरा त्याग करके निर्माण घर का निर्माण किया गया और ये सही फैसला था। भारत में जब मुगलों का आगमन हुआ तो राठौड़ राजवंश ने उनसे सीधी टक्कर ली और हार माने बिना संघर्ष करते रहे। इस सब में मेहरानगढ़ ने प्रमुख भूमिका निभाई। जोधपुर का इतिहास प्रेरणादायक वीर गाथाओं से भरा हुआ है। त्याग और देशभक्ति के कीर्तिमान स्थापित करके इतिहास में अमर हो जाने वाले वीरों ने जोधपुर का सर सदा ऊंचा रखा है। इस धरती पर जन्मे सपूत अपनी भुजाओं में इतना बल रखते थे कि मातृभूमि की रक्षा कर सके। तभी इनकी छत्र छाया में इनकी प्रजा सुखी और समृद्ध हुई। पर ये बात कम ही लोग जानते हैं कि फौलादी सीनों में कोमल भावनाओं का भी वास था। राजधर्म का पालन करने वाले तलवार के धनी इन रणधीरों के मन में नव सृजन और कला के प्रति प्रेम भी बसता था, जिसका प्रमाण आज भी उपस्थित है और इस धरती का सौंदर्य बढ़ाता है। महाराजा अजीत सिंह जी को उनकी सृजनात्मक ऊर्जा और निर्माणों के लिए याद किया जाता है। उन्होंने देवी देवताओं की साल, अजीत पुल, मयपुल और एक थम्बा महल बनवाया एवं भेरू बावड़ी और भेरू मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उन्होंने अपने पिता महाराजा जसवंत सिंह जी के भव्य देवल का निर्माण भी करवाया, जिसके विशाल स्तंभों एवं गर्भगृह का अलंकरण दर्शनीय है। सभा मंडल का दृश्य पौराणिक आख्यानों का स्पष्ट दर्शन देता है। उन्होंने मंडोर बाग में 100 से अधिक प्रजाति के वृक्ष लगवाए, जो उद्यान की अहमियत को और अधिक सुंदरता प्रदान करते हैं। महाराजा सरदार सिंह जी ने मंडोर के बाग को और संवारा। महाराजा उम्मेद सिंह जी के समय 1923 और 1947 के बीच मंडोर उद्यान को आधुनिक रूप देने हेतु कई कार्य करवाए गए, जैसे नागादगी नहर का जीर्णोद्धार, देवलों व महलों के पास सुंदर बाग विकसित किए गए। इसके साथ ही चार दीवारी व दोनों मुख्य द्वारों का निर्माण हुआ। मारवाड़ नरेश राव गंगा राठौर जी ने कहा था, नाम तो भीतरा या भीतरा सूर्य वह। युगों तक मनुष्य की ख्याति या तो साहित्य सृजन से अथवा बड़े बड़े निर्माण कार्यों से रहती है। राठौड़ राजवंश अपने पराक्रम और निर्माण के लिए अमर रहेगा। मंडोर में स्थित थड़ों एवं देवलों पर बनी अद्भुत मूर्तियां शिल्प कला की लायक मिसाल है। मारवाड़ के सर्वाधिक शक्तिशाली नरेश राव मालदेव जी से लेकर महाराजा अजीत सिंह जी के देवल आज ही सुंदर नक्काशी एवं बेजोड़ वास्तुकला की छाप छोड़ते हैं। महाराजा अजीत सिंह जी के देवल का निर्माण इनके पुत्र महाराजा अभय सिंह जी ने संवत 1793 में शुरू करवाया, लेकिन इसे पूरा उनके प्रपौत्र महाराजा भीम सिंह जी ने संवत 1856 में किया।
राजस्थान के समस्त देवलों में न केवल भव्यतम है बल्कि अपनी कलात्मकता को सहेजी तत्कालीन शिल्प कला का विलक्षण उदाहरण है। चार भव्य द्वारों एवं चार सभा मंडपों से सज्जित यह देवल शैव धर्म की महत्ता को दर्शाता है। आजादी के पश्चात यहाँ कई विकास कार्य करवाए गए और 1968 में यहाँ के महलों में संग्रहालय की स्थापना की गई। यहाँ जन्मे वीरों और स्वामी भक्तों की मिसाल युगों तक कायम रहेगी। जब वीरपुरी और नाग पंचमी को यहाँ विशाल जनसमूह मिलता है तो आज भी हमारे आत्मीय संबंध जीवंत हो उठते हैं। उनकी आंखों में उमड़े प्रेम और श्रद्धा को देखकर मन भावभोर उठता है। सदियों के संबंध आज भी टूट है। मुझे तो समय की आंधी ने नष्ट कर दिया, पर मंडोर के देव मंदिर क्षत्रियों और बाघ को संभाल कर रखना इस पीढ़ी का कर्तव्य है।